हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैक्स किचन। आज मैं बनाऊंगी मसाला आलू की रेसिपी, बहुत सिंपल और इजी तरीके से। मैंने यहाँ चार आलू लिए, इसको अच्छे से बॉईल कर छीन लिया है और इसके इस तरीके से पीसेस कर लिए छोटे। चलिए शुरू करते हैं। एक पैन में, कढ़ाई में तेल लेते हैं थोड़ा सा, 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद 1/2 चम्मच ज़ीरा डालकर उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद में कटे हुए आलू इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। अच्छे से उसको हल्के हाथ से हिलाएंगे, तेल में भून लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से और 5 मिनट में ये रेसिपी बन जाती है। इसमें डालेंगे आप नींबू, 1/2 नींबू का रस डाला है मैंने इसमें। आप चाहे तो इसमें इमली का रस भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर इमली भिगाएं थोड़ा सा पानी में और फिर उसके बाद उसे मसल कर इसमें डाल दें। मैंने यह नींबू यूज़ किया है। देखिए, ये प्रवीण मसाला है। इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे अदरक, लहसुन, नमक, प्याज, तेल, धनिया और लाल मिर्ची पाउडर। ये एक मसाला मिलता है रेडीमेड, इसमें ऐड करेंगे। जितना तीखा चाहिए वो हिसाब से आप ये मसाला यूज़ करें और अच्छे से इसे मिक्स करें। आप इसे अमेज़ॉन से भी मंगा सकते हैं या आपके नज़दीक बाज़ार दुकानों में भी इसे ख़रीद सकते हैं। अगर ये नहीं मिला आपके आसपास तो आप इसे अमेज़ॉन से मंगा लें। बहुत ही टेस्टी मसाला होता है। इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया काट कर डाल दें और गैस को बंद कर दे। तैयार है मसाला आलू। हमें इसमें कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती, कि जो प्रवीण मसाला होता है इसमें सारी चीज़ें डली होती है, तो ये काफ़ी टाइम बचाता है और इससे मसाला आलू बहुत टेस्टी बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना आप लोग। मेरे चैनल को देखने के लिए और वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। उसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।